Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is computer generation. Computer को technology की base के ऊपर 5 generation में divide किया गया है. First generation computer. First generation computer start होते हैं 1940 से लेकर 1956 तक. इस generation के computer के अंदर जो technology use की जाती थी वो vacuum tube थी. Thousand of vacuum tubes को integrate करके एक circuit बनाया जाता था जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती थी. एनमी उस दौर का सबसे अच्छा कंप्यूटर था जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था. अब चलते हैं इसके डिमेरिट्स की तरफ. सबसे पहला जो डिमेरिट है वो है साइज. क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा था जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था. उस दौर के अंदर जो कंप्यूटर बनाए जाते थे वो बहुत बड़े बड़े साइज के थे, रूम जितने थे या ऐसे साइज जितने थे. उसके बाद अगला डिसएडवांटेज है वो है हीट. क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब थे ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे जिसकी वजह से कंप्यूटर को कूल डाउन रखने के लिए हमें दो दो दिन तक शट डाउन करना पड़ता था. अगला डिसएडवांटेज है ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते थे. मशीन लैंग्वेज के ऊपर क्योंकि डिपेंड करते थे, अगर हमने किसी भी पर्पज़ के लिए इस कंप्यूटर को डिज़ाइन किया है और अगर हम इसके जरिए कोई और काम करना चाहते हैं तो हमें अलग से फिर इसको सेटअप करना पड़ता था और कोड लिखने पड़ते थे. मशीन लैंग्वेज क्योंकि 0-1 की शक्ल में होती है, अर्ली जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ इसी को समझते थे और ये क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम था. उसके बाद अगला जो डिसएडवांटेज है वो है पावर कंजम्पशन. क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब थे वो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ये इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज था. हमने अभी पढ़ा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर विद इट्स डीमेरिट्स. नेक्स्ट है जी सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती है 1956 से लेकर 1963 तक. इस दौर के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया, ट्रांजिस्टर बनाया गया. ट्रांजिस्टर जो है वो एक छोटी सी डिवाइस है और जो कि बनाई जाती है सिलिकॉन से. सिलिकॉन क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल था, इजीली अवेलेबल था, चीप प्राइस पे अवेलेबल था. और सेमीकंडक्टर अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं. सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो 1 होगा, नहीं होगी तो 0 होगा. तो इस तरह हमारे पास एक बिट का पैटर्न बनता है जो के कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता था. उसके बाद हम इसके फीचर पढ़ लेते हैं. पहला फीचर था ये साइज में बहुत छोटा था. साइज में कितना छोटा था, एक जो वैक्यूम ट्यूब है जितनी वो स्पेस लेता था उतने हमारे पास 40-50 ट्रांजिस्टर उतनी साइज लेते थे. उसके बाद हीट बहुत कम जनरेट करता था हमारे पास. वहाँ पे कंप्यूटर को हमें शट डाउन रखना पड़ता था कूल डाउन करने के लिए. वहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, हीट बहुत ही कम जनरेट करता था. उसके बाद लो इन प्राइसेस, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इसकी प्राइसेस कम है, इसलिए इसकी जो इस दौर के जो कंप्यूटर थे उनकी जो प्राइसेस थी वो कम होने शुरू हो गई थी. उसके बाद अगला जो इसका फीचर है वो है लेस पावर कंजम्पशन. इसके जो अंदर पावर जो थी वो कम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर थे पावर बहुत ज़्यादा बहुत कम कंज्यूम करते थे. उसके बाद सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था ये असेंबली लैंग्वेज को और फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, दो बहुत मशहूर लैंग्वेज थी, उसको सपोर्ट करते थे. उस दौर में सबसे अच्छा जो कंप्यूटर था IBM 1620 जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए सेल आउट होना शुरू हुआ. अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है 1964 से लेकर 1971 तक. इस दौर के अंदर, इस जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी जो अब भी यूज हो रही है. इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज है वो बहुत छोटा हो गया. इसके अलावा हीट बहुत ज़्यादा कम जो है वो जनरेट करती है. इसके अलावा इसका जो डिफरेंट हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर. अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी जो कोड्स हैं, जिसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से ली जाती हैं. तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर सबसे जो खास बात है
वो ये है कि डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना शुरू हो गया था। इससे पहले जो जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को, ये सिर्फ फोरट्रान लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा फीचर है इस जनरेशन के कंप्यूटर का। उस दौर में IBM 360 सीरीज के जो कंप्यूटर थे वो सबसे अच्छे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। और इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एक खास बात, कीबोर्ड और मॉनिटर का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। उसके बाद चलते हैं जी फोर्थ जनरेशन के तरफ। फोर्थ जनरेशन जो है वो 1972 से स्टार्ट होती है और अभी तक चल रही है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो हमारे माइक्रो जो प्रोसेसर हैं वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो है वो मिला के माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया और ये टेक्नोलॉजी अभी भी यूज हो रही है। हमारे पास जितने भी आजकल के जो कंप्यूटर हैं, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जो कुछ भी, ये सारे जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इसकी खास बातें ये हैं कि ये स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा ये हर तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जनरल पर्पज है, किसी एक खास मकसद पर यूज नहीं किए जाते। इसके अलावा हाई लेवल, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा फीचर है वो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ऐसा फीचर है, मल्टीटास्किंग कहते किसे हैं, पहली बात मल्टीटास्किंग एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम एक से ज्यादा प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम को एट द सेम टाइम रन करवा सकें। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। जैसे आजकल हम अपने मोबाइल फोन्स के अंदर डिफरेंट जो है वो एप्स ओपन कर लेते हैं एक ही वक्त में। इसके अलावा नेट के ऊपर हम डाउनलोडिंग करते हैं, डिफरेंट डाउनलोडिंग कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर सर्चिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही वक्त में डिफरेंट एप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मल्टी टास्किंग कहलाता है। तो ये आजकल के जो हमारे जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर जो चल रही है, सारी फोर्थ जनरेशन ये सारी ये फीचर प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ, जो कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर है। कंप्यूटर के जितने भी एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, वो सारे इस जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब देखें जी, यहाँ तक जो हमने फोर्थ जनरेशन तक पढ़ा वो ऐसे कंप्यूटर थे जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। अब ये फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो ऐसे कंप्यूटर होंगे जो के खुद बहुत लर्न कर सकेंगे। हमारे जो हम डिफरेंट डाटा सेट्स जब दे देंगे और वो डिफरेंट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो खुद बहुत जो है वो लर्न करेंगे। रोबोट उसकी एग्जांपल है, इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होंगे, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है, और आने वाला जो दौर है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। Thank you very much.